नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज स्टॉक मार्केट आपका पूरा इंडिया का लाली लाल नजर आ रहा है। वजह आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। और दूसरा, आपका फ्लोकी में एक अच्छी खासी बाइंग हुई है, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है, और कुछ आपके सवाल हैं। आज इतना ही मार्केट में, और ज़्यादा कुछ मार्केट में बताने के लिए है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले थोड़ा सा मार्केट लेते हैं। एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है, अभी BTC आपका अभी 69,000 पर एक्यूरेट पहुंचा हुआ है, यानी कि कल और आज अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यही वही एक साइड मूवमेंट, यानी कि जब काफ़ी दिनों तक मार्केट एक ही रेंज में चलता है तो फिर उम्मीद ये बनती है कि अगर जरा सा भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकली कहीं से भी, या कोई बड़ा फंड कहीं से आ गया, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा पंप आपको ऊपर करता हुआ नजर आएगा, जो आपका हो सकता है 73 और 75 तक भी लेके जाए आपके इस मार्केट को। तो BTC में देखते हैं क्या पॉजिटिविटी आती है, लेकिन अभी फिलहाल साइड में भी दिखाई दे रहा है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 62, जो 60 और 62 61 यही चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट कैप आपका जो है 2.5, यानी मार्केट कैप में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। वजह वही है कि जब BTC ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, क्यों, देखिए सारा डोमिनेंस तो एक तरह से मार्केट का BTC ही लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ आप इसी बात समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी मार्केट में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्लोकी में जो अभी चल रहा है वो ज़्यादा कुछ ऐसा भी, देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग ही इसमें भी चल रहा है, लेकिन हाँ इसमें DW लैब ने जो है लगभग $12 मिलियन के फ्लोकी इनू खरीदे जरूर है। अब ये नाम तो ये दिया गया कि भाई हम इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ये बाइंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये बाइंग इकोसिस्टम सपोर्ट कुछ नहीं होता, सब अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी का सीधा सा एक हिसाब है कि आप कहने के लिए कुछ भी कहो कि हम इको सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, या टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलग वे है कहने का। लेकिन घूम के बात वही आती है कि सबको प्रॉफिट चाहिए। अभी फ्लोकी का प्राइस जैसे आपका देखिए 26 सीरीज में चल रहा है, मतलब आपका 3x0 और $26 में, और एक साइड पर मूवमेंट आप आज पूरे दिन का देख सकते हो। तो आप लगभग ये मान लीजिए 30 तारीख से फ्लोकी में एक ही रेंज आप देख रहे हैं, यानी कि 0027 और 0023-24 इसके आसपास, यानी ये भी लगभग आप ये मान लीजिए आपके 5-6 दिन होने को आ रहे हैं एक ही रेंज पकड़ के चल रहा है, जस्ट लाइक BTC, जिस तरीके से BTC आपका परफॉर्म कर रहा है। अब एक चीज यहां और भी आती है, जो इथेरियम के इकोसिस्टम पर जितने भी टोकन हैं, देखिए सभी साइडवे है, किसी में भी बहुत ज्यादा आपको कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। वजह वही है कि देखिए इथेरियम में थोड़ा सा शांति हो गई है, इथेरियम में वही आपका अभी तक स्पॉट की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है वो नहीं हुई है। बेशक आपका देखिए आज इस ऑस्ट्रेलिया में जो है स्पॉट की एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट पर कुछ आने का है, क्योंकि आपने पीछे हांगकांग का भी देखा, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा कुछ था नहीं। सारा का सारा इम्पैक्ट अमेरिका से ही शुरू होना है, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। तो वहाँ जब भी इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब आप देख लीजिए एक अच्छा खासा, जितने भी इथेरियम बेस्ड टोकन हैं उनमें आपको एक पंप नजर आता है। अभी तो फिलहाल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ये साइड वे चल रहे हैं आप यहाँ साइड वे ही रह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ छोटी छोटी बाइंग जब भी ये नीचे आता है तो आप बना सकते हैं, लेकिन इंतजार आपको तभी तक करना पड़ेगा जब इथेरियम का एक मूवमेंट अच्छा पॉजिटिव नजर आएगा तब तक। अब यहाँ आते हैं हम, आपने पूछा, देखिए मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए इस चैनल पर जो है आप टोकन्स की बात करें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन पूछ रहे हैं कि सर टैप स्वैप खुल नहीं रहा। भाई टैप स्वैप देखिए उस पर लोड इतना ज्यादा हो गया है कि वो क्या करे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हैंग हो जाता है। और कुछ भाई पूछ रहे हैं वो 2x वाला हमें पैकेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर भाई ये आपका डिसीजन, मैं आपको बहुत स्पष्ट स्पेस पर कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए टैप स्वैप भी एथिन के नक्शे कदम पर चल रहा, कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट में वो आपको प्रीमियम बेचने वाले सीन लेके आ रहा है, और देखिए बीच में गैप कर देता है, फिर दे देता है, गैप कर देता है, तो ये क्या बीच में आपको एक तरह से ललचा रहा है कि पता नहीं आगे मिला नहीं मिला हमें ये पैकेज, तो आप भी जल्दी से जल्दी लो। तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि सबको पता है कि भाई चला गया मुझे मिला नहीं, सबके सामने ये सीन आता है, तो वो क्या, वो एक स्ट्रैटेजी है उसकी कि आपको शो कर देता है फिर कुछ घंटे के लिए गैप कर देता है, तो जिससे कि आप पैनिक में आके जल्दी से उसका प्रीमियम बाय कर लो। तो मैंने आपसे कहा ना भाई अगर 500-600 रुपये आप खर्च कर सकते हो, आपको वगैरह उम्मीद है कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो आप ले लीजिए, मर्जी आपकी है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लें, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट बोला हुआ है कि मैं पैकेज नहीं लूँगा, मेरी फ्री की माइनिंग चल रही है, दैट्स इट, बहुत इतना काफ़ी है। क्योंकि ये क्या गारंटी है, अभी तो इसका कोई प्राइस कुछ रिवील नहीं है, ना तो अभी तक ये रिवील है कि भाई इसकी टोकन्स कितने आने वाले हैं मार्केट में, तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे भाई, उसके लिए हम अभी 600 रुपये क्यों खर्च कर दें। आप डिसीजन ले सकते हैं भाई, आपको लेना ले लीजिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगला सवाल था नॉट कॉइन से, सर नॉट कॉइन कितना और अभी चलेगा ऊपर। देखो मेरे भाई एक किसी भी उसका एक पंप का एक सीन होता है, एक लिमिट होती है, तो ये बहुत अच्छा वो कहते हैं कि
अपना परफॉर्मेंस फिलहाल तो दे चुका है भाई साहब, मायने रखता है, 300-350% का पंप दे देना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहां पर इसको आप साइड पे ही थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने इसको जो मार्केट कैप के वाइज आपको जो बहुत डिटेल में इसको समझाया था और मैंने आपको स्पष्ट बोला था, देखिए 2.5 बिलियन 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन फिलहाल इससे ऊपर जाता हुआ मुझे मार्केट नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है 2.4 बिलियन का चल रहा है, तो ये भी काफी हो जाता कि कोई 1.2 बिलियन के आसपास तो ये मार्केट में लेके आया था और उसके बाद इसका मार्केट डबल हो गया। तो ये हुआ क्या, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो टीम है ना उसी ने और ज्यादा बाय बैक किया है। तो मेरे भाई अपने घर से कोई कितना पैसा लगाएगा, तो अब वो भी यहां पर देखिए कहेंगे प्रॉफिट जरूर निकालेंगे, क्यों, जिस लेवल पर प्राइस पहुंचा दिया तो बहुत से मैं कहता हूं शायद 60-70% लोगों ने इस ऊंचे लेवल पे ही बाय किया होगा, क्योंकि जिनको एलोकेशन मिला था उन्होंने तो बेच दिया था, वही आपका 0044 0050 इसके आसपास उन्होंने तो अपना बेच दिया था, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने एंट्री ली है वो ऊंचे प्राइस पर ही लिए। तो मेरे भाई अब यहां देखिए टीम भी प्रॉफिट निकालेगी, अब जब वो निकाल लेगी, जब एक मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी चलेगी उस टाइम पर आप इसमें थोड़ी उम्मीद और रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसका मुझे मार्केट कैप के हिसाब से देखिए जो प्राइस अभी चल रहा है यानी कि 0.025 2426 एक यही रेंज एक मुझे नजर आती है जो साइड में यहां रहने वाली है। अभी यहां बहुत ज्यादा डंप की उम्मीद भी ना करें क्योंकि जो टीम लेके बैठी है वो इतनी आसानी से इसको सेल अभी करने वाली नहीं है, तो यहां थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हाँ, जो लोग भाई अब ऊंची कीमत पे लिए हैं तो भाई उनके लिए तो कोई बचता ही नहीं है, वो तो आराम से अपना वेट करें, लेकिन जिन्होंने अभी नीचे खरीदा है तो वो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल पर ही पंप एंड डंप ये हो रहा है, ज्यादा लंबा लंबा पंप डंप इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ डिपेंड करता है टीम क्या करने वाली है, क्योंकि टीम के पास ही मुझे लगता है मैक्सिमम सप्लाई इसकी जो है बायबैक में पड़ी हुई है। तो ये नॉट कॉइन का सीन है। तो भाई देखो आज जो मार्केट में चल रहा है वो टोटल एक तरह से आईपीएल और इलेक्शन आजकल आज तो ये सीन चल रहा है पूरे मार्केट में। तो एक छोटी सी अपडेट जो कुछ थी जो आपने पूछा था, कुछ सवाल आपके थे, तो वही अपडेट आज देने के लिए वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। नमस्कार।